बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज फाइनली वो दिन आ ही गया है कि मैं जो हूँ आज अपने जो है वो बैग्स खाली करने लगी हूँ। तो खाली मीन्स कि इनको सेट करने लगी हूँ। खाली तो होंगे नहीं, क्योंकि इन्हीं को अरेंज करके इन्हीं में कपड़े डाल के दोबारा मैंने वापस रखने हैं, क्योंकि बहुत हो गया था और मुझे बहुत गु़स्सा आ रहा था अपने आप ऊपर कि मैं जो हूँ इतनी लेज़ी हो गई हूँ कि मुझसे बैग्स जो है उनमें से कपड़े नहीं निकाले जा रहे ना बर्तन। तो आज मैंने कहा आज मैं ये काम कर दूँ बस। तो अभी स्टार्ट होने लगा है मेरा लाइव व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। आज खोलने तो मैंने सिर्फ बैग्स ही थे, लेकिन बच्चे जो है वो पापा के साथ बाहर गए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि आज जो है ना वो मैं मौके का फ़ायदा उठा लूँ और साथ ही मैं ना अलमारी भी अपनी साफ़ कर लूँ, क्योंकि जब मैं गई थी तो इसमें मैंने पुराने कपड़े भी जो है वो भी रख दिए थे, कुछ तो फेंक मतलब दे दिए थे, उसमें बॉक्स में डाल दिए थे, लेकिन कुछ अभी रहते थे। तो मैंने कहा चलो वो वापसी पे आके कर लूँगी। तो उसमें से भी अभी मैंने ये अपना जो है खाना इसको निकाले हैं इसमें से सारे कपड़े, और इसी में बच्चों के भी मिक्स थे और मेरे भी, और अभी मैंने इन सब को करना है। तो अभी बस मैं बच्चों के अलहदा करके इसमें रख दूँगी इस बैग में, और इसमें मैंने अपने रखे हैं जो कि नए हैं, और अलमारी में वो रखूँगी जो मेरे मतलब डेली यूज़ वाले हैं। तो देखें कितना टाइम लगता है। जो है अभी जो है बहुत सारा मैंने ना खलाड़ा डाला हुआ है, और बच्चे आ गए तो फिर ये सब कुछ ना वहीं पे ही जो है लटक जाना है। तो अभी मैंने खाना भी बनाना है, फिर बेडशीट चेंज करनी है। बेडशीट जो है वो बहुत ही ज़्यादा गंदी हुई हुई है, बच्चों ने चॉकलेट और जो भी खाते पीते हैं वो सारा बेडशीट के ऊपर लगा देते हैं। तो अभी मैंने वो भी चेंज करनी है बेडशीट, और पहले मैं कपड़े समेट लूँ और फिर उसके बाद करूँगी बेडशीट चेंज, उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी खाना। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे साफ़ किया है सारा कुछ। ठीक है, अब क्रीप को किया मैंने इस साइड पे, और इधर से मैं साफ़ करूँगा। और पैम्पर्स भी जो है वो हस्बैंड इतने ज़्यादा ले अरसल के, तो वो भी रखने की जगह नहीं, हर चीज़ ही फुल हुई है। तो अब मैं इसको करूँगी साफ, और यहाँ से कुछ टॉयज वगैरह जो वो उठाए हैं मैंने वो सारे भी फिलहाल मैं इसमें फेंक रही हूँ। तो एक दफ़ा ये साफ हो जाए, मुझे ये डर है कि बच्चे ना आ जाए कहीं, तो बच्चे आ गए ना तो फिर बहुत काम जो है ना वो लटक जाना। तो मैं कह रही हूँ ये देखें ज़रा, बच्चों ने मास्क भी नीचे गिराया है। अब इसको मुझे करना पड़ेगा वॉश, और बस बच्चों वाले घर में ये कुछ ही चलता रहता है। और जिनके बच्चे हैं वो मुझे बताएं कि वो कैसे मैनेज करती हैं और कितना खला डालते हैं उनके बच्चे। मुझे ज़रा अपनी अपनी राय से अदा करें सब लोग, अगर आप पसंद करते हैं जवाब देना दें। तो बस ये चीज़ें मैं उठा लूँ, मुझे चढ़ गया सांस, क्योंकि ना हर तरफ टॉयज ही टॉयज हैं, टॉयज ही टॉयज हैं। फिर भी बच्चों का दिल नहीं भरता, फिर भी बच्चे कहते हैं हमें और लेके दे और लेके दे। अभी अर्सल को तो नहीं पता, वो सिर्फ अलीशा की टॉयज पे कब्ज़ा करता है, अभी उसको नए टॉयज का अपने का कोई नहीं पता। तो जब उसको पता चलेगा तो फिर हम जो है ना वो घर से बाहर होंगे और पूरा घर जो है ना वो टॉयज से बड़ा होगा, यही बस फ्यूचर मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि अलीशा का टॉयज जो है ना वो अगर मैं एक कमरे में रखूँ ना तो पूरा एक कमरा फुल हो जाए टॉयज के साथ। तो चले अब बच्चे बेचारे और क्या करें, घर भी छोटे छोटे हैं, बाहर भी इतना नहीं निकल सकते, स्कूल भी फ़िलहाल अलीशा नहीं जा रही क्योंकि स्कूल का उसका एडमिशन हो गया, लेकिन सितंबर में क्लासेस स्टार्ट होंगी न्यू, तो फिर इंशाल्लाह अलीशा स्कूल जाएगी। तो अरसल का भी मेरा दिल था कि अरसल को भी मैं स्कूल में दाखिल करवाऊँ, लेकिन वो कहते हैं कि अरसल जो है वो जब वो 3 साल का होगा तो फिर उसके बाद उसका एडमिशन होगा। तो अभी फ़िलहाल अलीशा जाएगी सितंबर में स्कूल, तो मैं बातें बहुत हो गई हैं, तो अब मैं करने लगी सफाई, तो फिर मिलती मैं आपको साफ करके। और वही हुआ जिसका डर था, बच्चे आ गए जल्दी क्योंकि अरसल तंग कर रहा था पार्क में, तो उसको आई थी नींद क्योंकि आज वो जल्दी उठ गया था। तो पापा फिर उनको उसके वापस ले आए, तो आते साथ ही 10-15 मिनट बाद वो सो गया। फिर उसके बाद मैंने जो है
सो गया, फिर उसके बाद काम कोई नहीं हुआ, तो जब वो उठा फिर मैंने उसको उधर टीवी लगा के दिया, वो बैठा हुआ था, तो फिर मैंने बेडशीट चेंज की। उसके बाद फिर मैंने जो बाकी रह गए थे उनको भी सबको मैंने किया, मैंने कहा क्योंकि आज मैंने खोला हुआ है तो अगर आज मैंने स्टॉप कर दिया तो फिर इसने फिर लटक जाना है, तो काम जो है ना वो फिर वहीं रह जाना है। तो ये मैंने कप्स लेके आई थी दो, ये मुझे अम्मी ने दिए थे दो, ये और दो और, क्योंकि यहाँ से छोटे तो अच्छे मिल जाते हैं, इतनी ज़रूरत भी नहीं होती छोटे, तो मुझे जो है बड़े कप्स में चाय पीने का मुझे मज़ा आता है, तो मैं पाकिस्तान से अपने लिए कप्स जो वो लाजमी लेके आती हूँ। पिछली दफ़ा मैं 6 लेके आई थी तो उसमें से बेचारे दो ही बचे, 4 टूट गए, तो फिर मैंने कहा मैं दो ही लेके जाने, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा नहीं दो ही लेके जाऊँगी मैं, तो ये दो ये अम्मी ने मुझे लेके दिए थे दोनों कप्स, और साथ ये मुझे पसंद आ गया था। बर्तन तो यहाँ से भी सारे मिल जाते हैं, लेकिन एवं बस मुझे ना शौक चढ़ा होता है बर्तन खरीदने का, तो और भी काफ़ी 3-4-5-6 चीज़ें ली थी मैंने, तो वो जब मैं किचन का आधा हिस्सा जो साफ़ करूँगी जो बाकी रह गया तो फिर मैं आपको भी खाऊँगी। तो बस हो गया जी क्लीन, क्यों शुक्र है अरसल जो है वो उधर पापा के पास बैठ गया था जाके, टीवी लगा के दोनों बैठे हुए थे खेल रहे थे, तो उतनी देर में मैंने फटाफट से जो है वो अपना काम कंप्लीट कर लिया और सुकून हो गया मेरे कमरे में। और अलमारी भी इतनी ही होनी थी सेट, क्योंकि काफ़ी कपड़े तो इतने वो इतने ही सेट होने थे, काफ़ी ज़्यादा थे, नीचे बच्चों के रखे और ऊपर अपने रखे हैं, और जो बाकी जो सर्दियों वाले थे और जो फैंसी थे वो मैंने इस साइड पे रखे हैं। ये तीनों जो हैं दो अटैची, एक में बच्चों के गर्म कपड़े और फैंसी रिशा के, और एक में जो मेरे हैं, और इस जो ये जो थैला सा नज़र आ रहा है इसमें हैं बेडशीट्स, और ये जो एक बाहर पड़ा हुआ है इसमें ये बाहर ही रहेगा क्योंकि ये बाहर ही रहता है हमेशा। और यहाँ पे क्रिब में बच्चों के लिए बच्चों के टॉयज़ इसमें मैंने डाल के आधे जो स्टोर रूम में पड़े हुए आधे जो है वो इधर मैंने रख दिए थे क्रिब में, मैंने कहा क्रिब बोर तो किसी काम आना नहीं है, चलो इसमें टॉयज़ ही रख देते हैं। तो बस जी अल्लाह का शुक्र है कमरा तो ये हो गया है साफ, बस किचन रह गया है, वो मैं करूँगी एक दो दिन बाद, तो फिर सफाई हो जाएगी कंप्लीट, तो बस किचन का थोड़ा सा रह गया। और जब मैं काम कर रही थी तो मुझे इतने चक्कर आ रहे थे कि बस ना सर दर्द शुरू हो गया था कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखूँ। तो फिर उसके बाद आड़ू पड़े हुए थे इतने दिनों से, तो मैंने सोचा ये वैसे तो कोई खा नहीं रहा तो इसका जूस ही मज़ेदार सा बना लेते हैं, तो बहुत मज़े का इसको पानी डाल के मैंने और आड़ू 3-4 डाल के तो इसका जूस बना लिया था। ठंडा पानी था, बर्फ़ मैंने डाली, सिर्फ ठंडा पानी डाला और साथ मैंने ब्लैक सॉल्ट डाला था, तो अरसल कहा था मुझे जल्दी से दे दो, तो अरसल को डाल के दिया मैंने बॉटल में और ये थोड़ा सा मैंने खुद पिया। तो अभी बारी आती है, और थोड़ा सा हस्बैंड के लिए भी रखा था, तो अभी बारी आती है जी डिनर की। तो डिनर जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में पिछले में बताया था कि जब मैंने काम करना हो तो फिर मैं झटपट सा खाना तैयार करती हूँ, तो चिकन मैंने बोनलेस हस्बैंड से मंगवा लिया था, तो ये मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, मैंने भी कोई बहुत ही बड़ी शोधी मारी है। मैं आपको बताऊँ कि मैं एक पैकेट मैं लेके आई हूँ और कोई महंगा भी नहीं था, 60 रुपये का था ये पैकेट, और पता नहीं मुझे क्या सोची मैंने एक ही उठाया, तो मैंने ये रखा हुआ था कि मैं ना पाकिस्तान में इसको ट्राई करूँगी, ये मैंने लिया था एच क्रीम बक्स से, तो मैंने कहा था पाकिस्तान में ना ये ट्राई करूँगी, तो वो मैंने ऐसे ही ना लाहौर से लेके आई थी, तो वो जिस बैग में था वो उसी में पड़ा रहा ना, तो वो फिर उसी बैग में साथ इटली भी आ गया, तो मैंने कहा चलो इसको ना यहाँ ही बना लेते हैं, लेकिन बहुत ही कोई ना बड़ी वो मैंने मारी है, शोधी मारी है कि मैं एक ही पैकेट लेके आई हूँ, तो मुझे समझ नहीं मैं एक क्यों लेके आई, तो वो भी बेचारा ना पूरा ही नहीं हुआ कि मैंने आधा पैकेट क्योंकि डालना होता है इसमें लिक्विड, इसका बनाना होता है उसमें इसको डिप करना होता है, आधा जो ड्राई रखना होता है उसमें इसकी कोटिंग करके ना तो फिर फ्राई करते हैं इसको, तो फिर मैंने ये किया कि थोड़ा था तो इसकी कोटिंग नहीं होनी थी, फिर मैंने इसमें मैदा जो है वो डाला और एक्स्ट्रा स्पाइसेस डाले नमक और मिर्चें, और ये इतना क्रिस्पी, हालांकि मैंने सिर्फ मैदा डाला है इसमें लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी बना, बहुत अच्छा बना था। तो जो पाकिस्तान में रहता है ये इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा, और मेरी तरह आप एक ना उठा के लाएगा 3-4 उठा के लाएगा, क्योंकि अगर फैमिली बड़ी हो तो फिर तो 5-6 हों तो फिर ये जो है अच्छा सा बनता है, तो लेकिन यह कि बहुत अच्छा इसका टेस्ट था और बहुत ही ज़बरदस्त बना था जो जिंगर बर्गर है, वैसे हम बनाते हैं सिंपल मैदे में वो इतना क्रिस्पी नहीं होता, लेकिन ये जो है ये बहुत अच्छा था, इसमें सारे स्पाइसेस ऐड थे, सब चीज़ें उन्होंने ऐड की हुई थी, सिर्फ हमने एक में पानी डाल के उसका लिक्विड बना के उसमें डिप कर देना बोनलेस के
पीस जो है, और जो दूसरा होगा आधा जो बचेगा उसमें हमने इसको जैसे हम मैदा में दबा दबा के चिकन को कोट करते हैं वैसे, इस तरह हमने जैसे मैं कर रही हूँ इस तरह करना है, और फिर इसको थोड़ा सा झाड़ के तो फिर हमने इसको फ्राई कर देना। और बहुत ज़बरदस्त इसकी कोटिंग होती है, अगर मैदा भी मैं ना मिक्स करती तो और ज़्यादा अच्छा बनता, लेकिन पता नहीं चल रहा था कि मैंने मैदा मिक्स किया हुआ, तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का बहुत क्रिस्पी बना था, तो ट्राई ज़रूर करिएगा। तो अभी बस बर्गर हो रहे हैं रेडी, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये चीज़ें मिल जाती हैं लेकिन खाई नहीं है मैंने। मैकडोनल्ड का जिंगर मैंने खाया क्रिस्पी, वो बहुत अच्छा होता है, वही खाते रहे हम जितने अर्सा वहाँ पर रहे हैं। तो अभी ये फ्राइज़ बनाए हैं मैंने और बर्गर हस्बैंड को भी दे दिया, बच्चों को भी दे दिया, और अब ये मेरा बर्गर तैयार हो गया। तो अब मैं अपना जो है डिनर इन्जॉय करूँगी, तो और साथ ही मैं करूँगी अपने व्लॉग का एंड। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरा आज का व्लॉग, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।